खेडूत क्या करता है, जो निंदावण होता है उसको हटा देता है, दुर्योधन रूपी निंदावण को हटा के युधिष्ठिर रूपी धर्म रूपी जो पौधा है उसको क्या करते हैं, उसका सिंचन करते हैं, उसको लगाते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध था, भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी और धर्म को नष्ट करना था। जो धर्म के साइड है वो सब भगवान के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन जो धर्म के साइड है उसकी स्वयं भगवान रक्षा करेंगे, है ना। ये हम सीखे यहाँ से। नेक्स्ट, जब युद्ध स्टार्ट हुआ उसके पहले कृष्ण भगवान ने कितने संख्यानाथ है, कितने संघ बजे थे, कौन 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 पोजिशन में खड़ा है वो बताया। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तब अर्जुन प्रभु को मतलब अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई लोग खड़े हुए थे, राइट, प्रेम जग गया कि ये सब मेरे आते हैं, राइट, वेरी नाइस। संख सब बजने लगे हुए, तो संख अलग अलग प्रकार के संख बजाए गए है ना। उसमें भगवान के संख का नाम क्या था, पांचजन्य, कौन सा, पांचजन्य, है ना। थोड़ा याद रखना चाहिए, भगवान का तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। और फिर और चर्चा किया संख की, फिर अर्जुन ने कृष्ण को कहा हाँ स्थापय रथम स्थापयम में अच्युत, किसके बीच में, उभयो कौन सा, रथम स्थापयम में अच्युत, उसके आगे क्या आता है, सेनयो उभयो मध्य, हाँ सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापयत, रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ की स्थापना करो, खड़ा रखो दोनों दोनों सेना के बीच में, मुझे देखना है कौन कौन युद्ध की कामना से यहाँ आके खड़ा है कि नहीं। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में जाके रथ खड़ा कर दिया, है कि नहीं। और फिर क्या सीखा, और भी कुछ था, शुरुआत के श्लोक कुछ स्किप हो गए। मामका पांडव पहला श्लोक था, उसको दुर्योधन, दुर्योधन डर गया था, हाँ ये सेना को देख के डर गया था। फिर वो किसके पास गया, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, और दुर्योधन ने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ द आर्मी, कि भी उनकी आर्मी में ये लोग है भीम द्वारा रक्षित है, हमारी आर्मी भीष्म के द्वारा रक्षित है, और ये अलग अलग प्रकार की योद्धा है ना, वो कंपैरिजन किया था, है कि नहीं। फिर उसके बाद शंखनाद हुआ, शंखनाद के बाद अर्जुन ने बोला मेरा रथ बीच में ले जाइए, फिर अर्जुन का रथ भगवान ने किसके सामने खड़ा रखा था ले जाके, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, पितामह और गुरु के सामने ही जाके भगवान कृष्ण ने खड़ा किया, और भगवान ने ताना मारा, ऐसे टीजिंग किया, देखो यहाँ पे तुम्हारे गुरु सब खड़े हैं। फिर भगवान जानते थे कि अर्जुन के हृदय में क्या आएंगी, दुर्बलता आएंगी, है ना, कंपैशन भी आएगा, करुणा भी आएंगी। भगवान बोले देखो 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 सब लड़ने आए हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार से जब अर्जुन ने वहाँ खड़ा हुआ देखा तो उसका हृदय कांप उठा, दया से भर गए, ठीक है नहीं। और कुछ याद है कोई पॉइंट डिस्कशन में, हाँ हाँ अच्युत, भगवान कृष्ण का अच्युत का हमने डेफिनेशन सुना था, है कि नहीं, सुना था ना, बढ़िया से इसको डिस्कस किया था, है ना। जो कभी भी अपनी दी गई प्रॉमिस से, है ना, भक्तों को दिए गए अपने वादे से कभी भी विचलित नहीं होते, इसलिए भगवान इनफॉलिबल है, अच्युत है, और हम जो है वो च्युत है, क्योंकि हम हमारी बात से मुकर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चार डिफेक्ट है। कौन से चार डिफेक्ट हमने डिस्कस किया था, कौन सी चार चीज जी, हाँ आ निंदा भय मैथुन, तो हमने डिस्कस किया कि पशु और इंसान के बीच में समान है, और विशेष क्या है इंसान के अंदर, धर्म, अगर धर्म नहीं करता तो वो
पशु के समान है, ये डिस्कस किया था ना महाभारत का श्लोक, वेरी गुड। लेकिन चार डिफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था, फिर से मैं दोहराता हूँ कि हमारी इंद्रिया पहली अपूर्ण है, इम्परफेक्ट इंद्रिया है। आँख दूर का नहीं देख सकती, कान दूर का नहीं सुन सकता। अगर मीठा खाने के बाद चाय पीते दूध पीते हैं तो क्या होता है, तो वैसा लगता है हमें, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आँख नाक कान सूंघना, नाक बंद हो तो स्मेल नहीं आएगा। तो हमारी सेंसेस कैसी है, इम्परफेक्ट पहला। दूसरा, इम्परफेक्ट होने की वजह से हमें क्या आता है, इल्यूजन होता है, है ना। इल्यूजन का उदाहरण दिया था मिराज, है ना। मिराज को देखते हैं पानी दिखता है, लेकिन हम होता नहीं है वहाँ पे पानी, कहने का मतलब है ना। तो पहला इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा इम्परफेक्ट सेंसेस होने की वजह से, हमारी इंद्रिया पूर्ण होने की वजह से हमें इल्यूजन होता है। और हमें इल्यूजन होता है इसकी वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या समझ देते हैं, मिस्टेक कर, सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं, है कि नहीं। सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं और मिस्टेक करते हैं। और व्यक्ति जब मिस्टेक करता है तो क्या करता है, पाप तो पोटलो भी ना माठे ना की दे, ले चीटिंग करते हैं। क्या करता है, चीटिंग। अरे मैंने नहीं किया था, मैं तो था ही नहीं इसके अंदर, उसने किया, चीटिंग करता है। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये चार चीज़ें, इंद्रिय अपूर्ण होना, दूसरा अपूर्ण इंद्रिय से मोह उत्पन्न होता, मोह से मिस्टेक होना, और मिस्टेक से चीटिंग, है ना। इसको हमने चर्चा किया था, चार चीज़ों को, है ना। तो आज हम अब चर्चा करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया कि भाई अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा और दोनों सेनाओं में, यस यस, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के सामने जितने योद्धा लड़ते लड़ते मर गए, वो सबको स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम होगी, है ना। तो जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि क्षत्रिय लड़ते लड़ते जब युद्ध के मैदान में सामने छाती से मरता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते करते अपना शरीर को त्यागती है, ये पक्की बात है। चलिए प्रभु जी का प्रश्न का जवाब दे देते हैं, फिर हमारे टॉपिक पे चलते हैं। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं है सिस, अच्छा प्रश्न है, सब भी इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। कि देखिए, हमने ये चर्चा किया था, अगर आपको याद आए, कि हमारे जीवन में हमारी जो भी परिस्थिति है वो हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे होती है, कर्म और हमारी इच्छाओं के द्वारा होती है। तो कोई अमीर बनता है या कोई गरीब बनता है, कोई खूबसूरत बनता है, कोई बदसूरत बनता है, है ना, वो हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं उसको तय करती है। हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं तय करती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति को कपड़े पहनने के कपड़े नहीं पहनता है तो भगवान उसको नेक्स्ट जन्म में जानवर बना देंगे या वृक्ष बना देंगे, उसको कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। और उस योनि में लोग उसके पास भी आएंगे, हाँ, कोई उसके बारे में गलत भी नहीं बोलेगा। वृक्ष को बोलते हैं कि जय तूने तो कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन मनुष्य योनि में चार लोग बोलेंगे, अरे मूर्ख पागल कहीं का देखो कपड़े नहीं पहनता है, आप समझे। तो हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं की वजह से हम दुखी होते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि सब सुखी हो, भगवान क्या चाहते हैं, सब सुखी हो, सबको ऐसा आनंद मिले जो परमानेंट हो,
कैसा आनंद? परमानंद। इसलिए तो भगवान युग युग में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, भगवद गीता कहते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, तो उसकी लीला को सुन के, भगवान के उपदेश को सुन के भगवान हमें आकर्षित करते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, कृष्ण भक्ति में लगो। अगर आप मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा हर पापों से उद्धार करूँगा और तुम्हें भगवत धाम ले जाऊँगा। भगवान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जैसे देखिए, हम कईयों को मैसेज करते हैं ये भगवद गीता के क्लास के लिए, है ना, कई स्टूडेंट 100, 150, 200 लोगों को बुलाते हैं, बट सब लोग नहीं आते। इसमें से 30-40 लोग, 50 लोग आते हैं। आप समझे कहने का मतलब? तो चॉइस किसके हाथ में है? आपके हाथ में चॉइस। भगवान कभी किसी का छींदा नहीं है। क्यों नहीं छींदा, मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, हमको नहीं करना है गर्लफ्रेंड, बट मान लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपने माना है वो गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने आपको बॉयफ्रेंड नहीं माना है। आप समझ गए ना, वन साइड लव है, समझ लीजिए। आप लगे हुए हैं, सामने अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उसके पीछे पीछे हो, उसको प्रयास करते हो ना कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं मान रही है ना, नहीं मान रही। आपकी इच्छा है कि भी मैं उसको आई लव यू बोलूँ तो वो भी मुझे आई लव यू बोले, मैं रेड रोज दूँ तो वो भी मुझे रेड रोज दे। आपकी इच्छा है कि वो मुझे रिस्पॉन्स दे, लेकिन वो नहीं दे रही है। पर आपकी तीव्र इच्छा है कि उसके मुंह से आपके लिए आई लव यू निकले, है ना, आप ये सुनने के लिए बेताब हो, है ना। तो फिर आपने एक दिन क्या किया, हाँ, चाकू लिया, उसके गले पे रख दिया, बोलो आई लव यू, तो वो आई लव यू बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, पर वो आई लव यू में क्या प्रेम होगा? हाँ, आप समझे, प्रेम नहीं, डर होगा। क्या होगा? डर। तो भगवान भी अपने सभी जीवों को अपने पास चाहे तो एक सेकंड में ला सकते हैं, समझे, भगवान एक सेकंड में सबको ला सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति भगवान अगर कर देंगे तो हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन भाई हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है, तो उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी। आप समझे, हम या डर के मारे या किसी के मारे हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान को आनंद आएगा। भगवान बोले मेरी शरण में आए, लेकिन मुझे डर के मारे आए, प्रेम नहीं है इसकी भक्ति के अंदर, है ना। कई बार कई लोग नहीं मंदिर में आते हैं, घंट बजाते हैं, दंडवत करते हैं, सब करते हैं, कि इसके लिए, अरे कल परीक्षा का रिजल्ट है प्रभु जी, भगवान पास हो जाओ। भगवान बोले मेरे लिए तो तेरे को प्रेम नहीं है, यहाँ क्यों आया है तू, तुझे कुछ डर है इसलिए आया है, कुछ तुझको चाहिए इसलिए लाया है। भगवान तो कृपालु है, क्या करते हैं, जो चाहिए वो दे देते हैं। इसी प्रकार हम जो इच्छा करते हैं कि भी हमें काम वासना करनी है, क्रोध करना है, हमें उसमें मजा आता है किसी को मारने में या कुछ करने में, यू गॉट माई पॉइंट, तो भगवान क्या करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी करें। ठीक है भाई, तुम तुम्हारी इच्छा पूरी कर लो, मेरी शरण में आए हो तो, बट उसके अंदर कोई प्रेम भगवान को, शरणागति प्रेम कृष्ण के लिए, तो भगवान उसको फिर अपनाएंगे नहीं। तो जो जीव कृष्ण से दूर जाएगा, है ना, फिर वो क्या, प्रकृति के तीन गुणों में फंसा जाएगा, वो दुखी होगा, सुखी होगा, दुखी होगा, समस्याएं उसके जीवन में आएंगी, ये चक्कर चलता रहेगा, है ना। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान सबको खुश क्यों नहीं कर देते। भगवान तो सबको खुश करना ही है, बट भगवान बताते हैं अभी तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको खुश कर दूंगा, और हम उनके पास जाते ही नहीं हैं। भगवान बोले मेरे पास आओ मैं तुमको बचा लूँगा, बट हम जाते ही नहीं भगवान के पास। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः। ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मालूम है गीता में 18 चैप्टर है, तो मैं सीधा 18वें चैप्टर का एक श्लोक आपको सुनाता हूँ सीधा,
अभी यहाँ पे भगवान गीता कंक्लूड कर रहे थे, 700 श्लोक खत्म होने वाले थे, 8-10 श्लोक पहले ही भगवान ने श्लोक बोले। क्या बोले? अर्जुन जो भी मैंने तुझको सिखाया समझ में आया ना समझ छोड़ दे तू, तो क्या करो सिंपल मेरी शरणागति सिखा लो। 18.66 नंबर का श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं, ये मैं पढ़ता हूँ, भगवान कहते हैं 65 के अंदर, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्क, पेज नंबर 607, ये बड़ी गीता हो तो 18 चैप्टर 65, मन मना भव मत भक्तो मिला, इस गीता हिंदी गीता में 607 नंबर पेज है। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हाँ, चार चीज बता दे, मेरा चिंतन, मेरी पूजा, मेरा भक्त और मुझे नमस्कार। ओके, क्या होगा इससे? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, यू विल कम टू मी माई अबोर्ड गोलोक धाम। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। फिर उसके बाद के श्लोक में बताते हैं 66 नंबर के श्लोक में, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो अर्जुन, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, ये कंक्लूडिंग है। इतना गीता सुने के बोले बोले सब कुछ सुन लिया, कुछ भी नहीं करना, क्या है? मेरी शरण में तुमको आना, मेरी भक्ति, मेरा चिंतन, मुझे नमस्कार, सर्वधर्मान परित्यज, डरो मत, मेरे धाम में आओगे, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। एक बार यशोदा मैया और भगवान कृष्ण कान्हा जब छोटे थे तो यमुना के अंदर, है ना, दिवाली का समय था तो सब स्नान करने गए थे, तो सबने नदी के अंदर वो ऐसे पड़िया लेते हैं, पड़िया के अंदर वो दिया रख के जला के ऐसे बहाते, देखा आपने गंगा नदी में यमुना में शाम के समय में सब क्या करते हैं, ऐसा दिया बना के बहाते अर्पण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यमुना के अंदर क्या किया जा रहा था, दिए ऐसे जा रहे थे, और कुछ समय के बाद दिए जाने के बाद क्या हो जाते, वो पानी ऐसे ऐसे होता तो वो डूब के बुझ जाते थे, अल्टीमेटली तो डूब ही जाएगा, बुझ ही जाएगा वो, क्योंकि जैसे जैसे बीच में जाएगा पानी की लहरों में। तो भगवान देखे तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था कि दिए बुझ रहे, तो भगवान किनारे पे खड़े रह गए ऐसे आधे ऐसे पानी में जाके, और जितने भी दिए आते उनको ऐसे पकड़ पकड़ के बचा लेते, अपने पास लेके बचा लेते, ऐसे रख देते कि डूब नहीं जाए। तो यशोदा माता पूजा करके खड़ी हुई तो देखा तो पूछे कान्हा क्या कर रहे हो, तो ले दिए को बचा रहा हूँ, ये डूब जा रहे। तो यशोदा मैया हंसने लगी जोर जोर से, हंसने, अरे कान्हा कितने को बचाओगे तुम, देखो कितने सारे दिए हैं, कितना कई तो दूर दूर है, कैसे बचाओगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने सबको बचाने का ठेका थोड़ी लेकर रखा है, जो मेरे पास आएगा उसको बचाऊंगा और जो मेरे से दूर जाएगा वो डूब जाएगा, मैंने ठेका थोड़ी रखा है सबका, आएगा तो बचाऊंगा, नहीं आएगा तो डूब जाएगा। यही बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामिका, मेरे पास जो आया मेरी शरणागति में आया तो मैं रक्षा करूंगा उसकी, सब पापों से मुक्त करूंगा, नहीं आया तो दुखी होगा। तो भगवान तो चाहते हैं कि सब उनके शरणागत आ जाए, लेकिन हम इतना सुनने के बाद, इतना गीता में उपदेश सुनने के बाद, भगवान के शब्द क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरल संस्कृत आप भी समझ सकते हो, ये 700-700 श्लोक पुराणों में 5000 साल पहले ठाकुर जी ने बोले, और करोड़ों साल पहले ये भगवद गीता उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, 4th अध्याय में 1st-2nd श्लोक यही है, है ना, कि मैंने ज्ञान किसको दिया था अर्जुन, करोड़ों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, अब मैं तुझको फिर से दे रहा हूँ। तो यही श्लोक 5000 साल पहले, करोड़ों साल पहले सर्वधर्मान परिजय माम एकम शरणम भज भगवान बताए थे, और वही शोक लाज भी है। हमें हमारे जीवन में अपनाना है, इसको अप्लाई करना है, फिर हमें आप देखोगे कि आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। भगवान तो बोलते हैं कि पूरा संसार मेरे पास आ जाए, है ना, मैं उसकी रक्षा करूँगा। कई बार ऐसा होता है, अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है,
काम तो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये वो फलाना ढंगना, नहीं। आप देखिए कहावत है गुजराती में, कीड़ी न कण न हाथी न मण। जब भगवान एक जीव को पैदा करता है ना, तो उसके खाने की व्यवस्था करके भेजता है इस उस जीव को संसार, और कितना एक जीव खाए उससे 10 गुना भेजता है। अगर 700 करोड़ मनुष्य को पैदा किया है यहाँ पे, तो 70,000 करोड़ खा सके उतना अनाज भगवान पैदा करके हमको, उतनी बारिश देते हैं, उतना ऑक्सीजन देते हैं, हवा पानी सब कुछ भगवान देते हैं, अनाज भी देते हैं। आप समझे, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही प्रकृति को बनाया। देखिए जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को मार के खाते। आप जंगल में जाइए तो कैसे सिस्टम बनाई है ना, हिरण घास खाएगा, हाँ हिरण को तेंदुआ खाएगा, तेंदुआ को भी मार के शेर खाएगा। आप समझे, ऐसे सब चलता रहता है ना। हम देखते हैं ना सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर, आप देखिए कहने का मतलब, तो एक जीव दूसरे, तो सबका भगवान ने आयोजन करके रखा है सबका। कोई मांसाहारी है, हाँ अब आपने बोले क्यों भगवान ने मांसाहारी बनाया, क्योंकि अभी हमको ही मांस खाना था, हमने इच्छा की इसलिए भगवान ने हमको शेर का शरीर दे दिया। बोले अब मांस खाओ, शेर के शरीर में अच्छा मांस खा पाओगे। अब यू गॉट माई पॉइंट। तो जो भी आपका जो भी इच्छा है, जो भी दुख, जो भी परेशानी समाज में आ रही है, वो केवल हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं की वजह से आ रही है। तो अब करना क्या है, उस कर्म को हमें भगवान जैसे गीता में बताते हैं वैसे करना है, ना कि हमारे मन से, ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब हमको इच्छा होती है सेक्स करने की, तो कोई भी लड़के को उठा के रेप कर लिया, हाँ ऐसे थोड़ी ना चलेगा, पनिशमेंट तो होगी ना, जेल में जाओगे तो दुख तो होगा कि नहीं होगा। हाँ भगवान गीता में नहीं बताते, भगवान बोलते इस प्रकार से, भगवान गीता में बताते इफ़ यू वॉन्ट टू डू सेक्स गो एंड गेट मैरिड, शादी करो, शादी करके क्या करो, बच्चे पैदा करो। आजकल के समाज में क्या है, लोगों को सेक्स का आनंद लेना है लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना है, है ना, सेक्स का आनंद लेना है लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना है, सबसे बड़ी समस्या ये। तो ये गलत है ना, धर्म विरुद्ध, हाँ धर्म के विरुद्ध का जो एक काम वासना हो गया। कैसा हो गया, धर्म क्या करता है, यू शुड हैव अ सेक्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड, इंसान को बच्चे पैदा करने के लिए ही सेक्स करना, इसलिए ही इस सिस्टम दिया है कि एक आत्मा को पृथ्वी के ऊपर आने के लिए, है ना, बर्थ लेने के लिए, ह्यूमन बर्थ उसको मिले, उसके लिए उसको क्या किया जाता है, ए सिस्टम से पृथ्वी पे लाया जाता है, ये घर बनाना होता है, फिर वो पैदा होता है, उसको मनुष्य शरीर मिलता है, वो मनुष्य शरीर में आके वो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। आजकल देखिए लोग एबोर्सन करवाते हैं, करवाते कि नहीं करवाते एबोर्सन, अपने बच्चे को अपने पेट में मार देते हैं, खुद मारते हैं, माँ बाप दोनों मारते कि नहीं मारते बेटे को, कईयों को मारते, कई बेटों को मारते, गर्भ निरोधक चीजें यूज करके कई तो बच्चों को पैदा ही नहीं करते। आप समझे, बच्चों को पैदा ही नहीं करते, और गलती से कोई पैदा हो गया हाँ तो उसको क्या करते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगा देते हैं, भगवान के पास तो भेजते ही नहीं। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को बिजनेसमैन बनाना है, पर किसी को भक्त नहीं बनाना है। और वही अगर जब व्यक्ति भक्त बनता है कृष्ण का, तो ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुशानुदर्शनम, इससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, अदरवाइज हाउ कैन यू बी ना, इसलिए जब तक आप कृष्ण की शरणागत नहीं आते हो तो आपको ये सब समस्याएं भरनी पड़ती है। अब आप पाप करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, एबोर्शन करते हो, हाँ क्या होगा इसका, पाप का फल तो भुगतना पड़ेगा ना, एक जीव को मारोगे तो प्रकृति के नियम बनाए कानून, तो उसके तहत आपको दुख मिलेगा। भगवान बताते जितने पाप किए मेरी शरण में आ जाओ वो मैं सब माफ़ कर दूंगा तुम्हारा,
आप समझे, इतने दयालु है कृष्ण, इतने दयालु है कृष्ण, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे पाप मैं सभी नष्ट कर दूंगा। क्यों वा दयालु कृष्ण। पूतना, पूतना का स्टोरी सुना है आपने, जब पूतना राक्षसी कंस ने भेजी थी कृष्ण को मारने के लिए, पूतना राक्षसी, तो अपने स्तन के ऊपर वो क्या लगा के आई थी, जहर लगा के आई थी, है ना, एकदम सुंदर कन्या बन के आई थी, थी राक्षसी, उसको देखने ऐसे बड़ी बड़ी और बाल ऐसे दांत अंदर ने, इतनी गंदी लगती थी, डाकिन, कैसी थी, डाकिन थी, बट उसने एक सुंदर स्त्री का और अपने स्तनों के ऊपर वो जहर लगा के आई थी, ताकि भगवान को अपना स्तन पान करवा के वो जहर से उसको भगवान को मार दे। इस उद्देश्य से पूतना कृष्ण के पास आई, उन्होंने कृष्ण को अपने गोदी में लिया और अपना स्तनपान कराया, तो भगवान ने उसका स्तनपान किया तो जहर चूसा, भगवान ने उसके स्तन को चूसा तो जहर दूर और उसके साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए, भगवान ने क्या किया, उसके प्राण भी खींच लिए, उसको मार डाला पूतना को, भगवान छोटे कृष्ण ऐसे गोदी में बिठा के, तो भगवान, तो भगवान है, 3 महीने के थे उस समय, कितने भगवान, ही वॉज ओनली 3 ईयर ओल्ड, है ना, यानी कहने का मतलब भगवान बनने के लिए हाँ कोई योग तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मैं योग करूँगा, मैं तपस्या करूँगा तो मैं भगवान बनूँगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगा, ऐसी फिलोसफी हम सुनते हैं, नहीं, भगवान तो जन्म से ही भगवान होते, प्रकट होते वो भगवान ही होते, उनको कोई तपस्या, उनको कोई योग शक्ति बल सिद्धि हिमालय में जाने ये सब नहीं करना पड़ता। यू गॉट माय पॉइंट। तो 3 महीने थे केवल कृष्ण, इससे हम समझ सकते हैं कि 3 महीने के थे, कौन सी योग शक्ति थी, इतनी बड़ी राक्षसी, उसकी साइज भागवत में मैं पढ़ो, श्रीमद भागवत में कथा आती है 10वें स्कंद के अंदर, पूतना राक्षसी का जब खून उसका प्राण चूसा उसके स्तनों से कृष्ण ने, तो उसने अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया। तो यहाँ से अब बड़ोड़ा जाओ, कितना, हाँ मोर देन 100 किलोमीटर लंबी थी पूतना, कितनी 100 किलोमीटर ऐसे ऊंची थी पूतना, आकाश के बादलों को चीर के कहीं कहीं ऊपर पहुँचाती थी, 100 किलोमीटर उतना ही चौड़ा उसका शरीर था। जब उसके भगवान ने प्राण चूसे तो वो ऐसे गिरी थी पूतना, तो उसके नीचे कितने जंगल के जंगल चकनाचूर हो गए थे उसके शरीर के, है ना, और जब वो मर गई कृष्ण उसके स्तन के ऊपर क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, ऐसे दो चल तो नहीं पाते थे तो ऐसे ऐसे खेल रहे थे, हंस रहे थे कृष्ण। तो फिर माय पॉइंट इज दैट इतने दयालु है कृष्ण, कैसे दयालु है, इसको मार दिया, नहीं, मारने के बाद कृष्ण ने उसको क्या दर्जा दिया मालूम है, भागवत में लिखा है उसको माँ का दर्जा दिया, उसको अपने धाम ले गए, उसको क्या दिया, वात्सल्य प्रेम दिया, वात्सल्य प्रेम भक्ति दिया, गोपियों की भक्ति माधुर्य प्रेम भक्ति थी, हनुमान जी की भक्ति सेवा भक्ति थी, सेवा करते थे राम जी की, अर्जुन की सखा भक्ति थी, मित्रता के रूप में भगवान को भजते थे, सुखदेव गोस्वामी की शांत रस में, ऐसे अलग अलग रस होते हैं भक्ति के, उसमें वात्सल्य रस होता है, जो वात्सल्य रस में आप भगवान को क्या मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, है ना, तो उसको क्या दर्जा दिया पूतना को कृष्ण ने, माँ का दर्जा दिया, उसको भगवत धाम ले गए। तो ये पूतना राक्षसी कृष्ण को मारने आई थी, है ना, तो भगवान ने इतने दयालु है, भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे मारने आई है, भगवान ने क्या देखा कि मुझे अपना स्तनपान कराने आई, मुझे दूध पिलाने आई, तो मैं इस नाते तो मेरी क्या हुई, माँ हुई, है ना, तो माँ का दर्जा देके वात्सल्य प्रेम भक्ति देके उसको वैकुंठ धाम, भगवान के धाम वो भगवान ले गए। इतने दयालु भगवान है, सोचिए डाकिन कितने बच्चों को मार के खा गई थी, कंस ने बोला था कि 3 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हो सबको मार दो, क्योंकि वो 8वां जो संतान था वो तो योग माया निकली, वो तो आकाश आकाश में चली गई वो बेटी, तो
कंस कंस ऐसे मार रहा था आठवीं संतान, तो उड़ के आकाश में बोला तुम्हारा काल तो कहीं और प्रकट हो चुका है। तो उसने पुटना को भेजा कि जितने भी बच्चे नवजात शिशु है उसको मार डालो। तो पुतना ने गांव गांव गुन के जितने भी नवजात शिशु से ऐसे एक महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, सब बच्चों को मार मार के खा जाते थे। इतना पाप किया था उसने, फिर भी कृष्ण इतने दयालु है कि पुतना उनकी शरण में आई, उसको दूध पिलाना चाहिए। भगवान का ठीक है, तुझको माँ का जरूरत है। सो मच मर्सीफुल। इस संसार में मुझे आप बताओ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको आप मारने जाओ हाँ और वो आपको उसकी प्रॉपर्टी दे दें, हाँ इतना प्रेम दे दें, वो भी एकदम खूंखार टेररिस्ट हो। एक कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है कृष्ण। कृष्ण इज अ वेरी कंपैशनेट हार्ट। वो कैसे है, क्या है कंपैशन, पूरा करुणा से, करुणा निधि। भगवान का एक नाम क्या है, करुणा निधि। ही इज द ओशन ऑफ कंपैशन। भगवान क्या है, ओशन ऑफ कंपैशन। इसलिए जब भगवान की शरण में कोई जाता है ना जीव, वो कभी निराश नहीं होता है। कृष्ण हमेशा उसको रहस्य, अगर आपने कृष्ण के लिए एक कार्य भी जीवन में किया है, एक कार्य, तो भी भगवान उसको याद रखेंगे। और हम संसार में हाँ, हम जिसको अपना समझते हैं उसके लिए आप हजारों कार्य करो, अच्छे कार्य, लेकिन एक कार्य आपने नहीं किया ना तो आपको वो खो देंगे, आप समझे, खो देंगे। ये अंतर है कृष्ण के अंदर और दूसरे के पास जाए। इसलिए बोलते हैं हमें संसार को छोड़ के कृष्ण की शरण में जाने, वही प्रेम मिलेगा, है ना। हमें लगता है हमारी पत्नी, हमारी गर्लफ्रेंड हमको प्रेम देंगे, प्रेम नहीं देंगे, आपका खून चूस लेंगे। क्या चूस लेंगे, खून चूस लेंगे। जब तक पॉकेट में पैसा है, आपकी जेब गर्म है, तब तक वो आपका बिस्तर गर्म करेंगे, उसके बाद नहीं गर्म करेंगे, आप समझे। सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। लेकिन हम कृष्ण को छोड़ के इधर उधर आनंद लेने में जाते हैं तो फिर क्या होंगे, दुखी होंगे। सबका इतना वो है नहीं बड़ा हार्ड कृष्ण के जैसा कि आप मारने जाओ। और इसलिए गाया जाता है, भजन है, प्रेम दे मार खाए, दयाल तो निताई है। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि वो मार खाने पे प्रेम देते हैं। उसको मारोगे तो वो आपको क्या देंगे, प्रेम देंगे। बहुत सुंदर एक कथा है नित्यानंद प्रभु की, वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। जगह ही मदाई, दो महान वो थे, गुंडे थे, बढ़िया कथा है उसकी, कभी सुनाऊंगा आपको। प्रेम दे मार खाए, दयाल तो निताई है, है नहीं। सो आप समझ गए कि क्यों हम संसार में सुखी दुखी होते हैं। भगवान तो चाहते ही है सब खुशी हो, हमारे कर्म और हमारी इच्छा है, हमारे कर्म और हमारी इच्छा। तो अभी हम भगवद गीता के 28 नंबर के श्लोक पे जाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, दृष्ट्वा एमं स्वजनं कृष्ण, दृष्ट्वा एमं स्वजनं कृष्ण, युयुत्सुं समुपस्थितम्, युयुत्सुं समुपस्थितम्, सिदन्ति मम गात्राणि, सिदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, मुखं च परिशुष्यति। कौन गाएगा, ट्राई कीजिए। कौन गाएगा,
मैं एक बार गाता हूँ, चलिए याद रख ले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एनीवन कैन ट्राई? अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एनीवन एल्स ट्राई कीजिए क्विकली, है ना, समय कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी आइए। यस प्रभु जी, व्हाट्स योर गुड नेम? भाविन। यस यस बोलिए। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच कृष्ण युसुम समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एनीवन एल्स प्लीज। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच। उवाच का मतलब बोलिया। अर्जुन बोले, बोलिया गुजराती में बोलिया, हिंदी में बोले। उवाच क्या? अर्जुन ने देख के क्या बोला? दृष्ट्वा एमं स्वजनम, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मीन दृष्टि, देखना। एमम यह क्या देखा था उसने? स्वजनम, स्वजनम मीन्स खुद के स्वजन, परिवार वाले, है ना। दृष्ट्वा मीन्स देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम परिवार, इन सारे स्वजनों को दृष्ट्वा करके, हाँ, युसुम समुपस्थितम, युसुम मीन्स स्वजन, इन सारे स्वजन जो युत्सु, युत्सु मीन्स युद्ध की इच्छा से उपस्थित थे। कैसे थे वहां पे? युद्ध की, ऐसा नहीं गरबा खेलने नहीं आए थे, क्या करने आए थे? युद्ध करने आए थे, इसलिए यहां लिखा युत्सु, है ना। गरबा खेलने आए थे तो गरबासु ऐसा कुछ लिखा होता है, यहाँ युत्सु लिखा है। किसके लिए आए? युत्सु, युद्ध करने आए। स्वजन है फिर भी युद्ध करने आए, दुश्मन है युद्ध करने आए, तो बात समझ में आती है। ये तो स्वजन है, युत्सु कृष्ण, स्वजनम युत्सु, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड समझ में आता है ना, इस ये लाइन में सेट नहीं होता। स्वजन और युत्सु कैसे हो सकते हैं? स्वजन युत्सु कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये संसार का नियम है, भगवान इसलिए तो गीता कही। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? हु बिकम युत्सु फॉर अस? अवर स्वजन, फॉर वॉक ऑन द राइट पाथ। जब धर्म के सिद्धांत के ऊपर चलना है, आध्यात्मिक जीवन के में चलना है, तो हु विल कम फर्स्ट टू स्टॉप अस? स्वजनम, स्वजनम, स्वजन हमारे रोकते नहीं है। यहां पे स्वजन अर्जुन को रोक नहीं रहे, हाँ, स्वजन को देख के उसका मन
उसको रोक रहा है। आप समझ गए ना, हम जैसे एक एक सॉरी टू से, जैसे आप लोग जैसे आ रहे हो वैसे एक प्रभु है, एक एक लड़का है ऐसे आता था, तो मैंने एक दो बार गया, फिर उसका मुझे कॉल आया था, बोले कि प्रभु जी ये है वो है, कि मेरे पिताजी नहीं आने देते मुझे, बोले इस्कॉन में जाएगा तो साधु बन जाएगा। तो मेरे को, हम साधु बनाने के लिए नहीं बैठे, हम तो यहाँ पे आपको अर्जुन जैसा भक्त बनाने बैठे हैं। हाँ, अर्जुन को भगवान ने बोला, बोले जाके हिमालय में मैं बैठ जाऊँगा, बहू वाले बोले बैठ, हिमालय में नहीं जाना है, संसार में रहो, युद्ध करो और धर्म की स्थापना करनी है, हमारा उद्देश्य है। आप समझे, बोले नहीं नहीं प्रभु जी है वो है। तो मेरे को, आप ऐसा हो तो आपके पिताजी से बात करवाइए, मैं उनको समझाता हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा ऐसा है। तो पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि स्वजन हमारे सामने होते हैं, लेकिन एक्चुअली स्वजन हमारे लिए रुकावट नहीं होते, रुकावट क्या है हमारे लिए, हमारा मन ही ये सब करने के लिए इच्छा नहीं होती। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ भक्ति होती है, दृढ़ निश्चयता होती है, तो इस संसार की कोई भी ताकत आपको रोक सकती नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कोई ताकत, मिलिट्री टोप की टोप भी आपको रोक सकती नहीं है। स्वजन तो दूर की बात है, नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज व्हेन यू वॉक फॉर कृष्णा, व्हेन यू वॉक टूवर्ड द कृष्णा, देन कृष्णा विल देयर टू रिसीव यू एंड कृष्णा विल रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल इन द पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान स्वयं बताते हैं, हाँ, योगक्षेम महाम्यम 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते कि तुम मेरी भक्ति में जैसे आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी करता हूँ, तुम्हारी जरूरियात है मैं पूरी करूँगा, और तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, योगक्षेम महाम्यम, राइट। तो भगवान है हमें प्रॉमिस देते, इसलिए हमें हमारे मन को, अभी देखिए आगे आएगा, तो यहाँ पे युत्सु स्वजन क्या करने आया, यहाँ पे युद्ध की इच्छा से अर्जुन को धर्म के रास्ते पे आगे चलने के लिए सब खड़े हो चुके हैं, है ना, ऐसे हथियार लेके, खबरदार इस्कॉन मंदिर गया तो तू युत्सु सम उपस्थित है, और एक दो नहीं बहुत सारे एक साथ है, सम उपस्थित वहां पे सब एक साथ उपस्थित हुए, है ना। तो जब अर्जुन ने कहा हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने स्वजन यानी मित्र और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर, हाँ क्या हो रहा है, मुझे दूसरे लाइन में आ रहा है, स्वजन तो नहीं बोले कि युद्ध मत कर, वो तो तैयार है युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। कैसे अर्जुन क्या कर रहा है, सिदंती मम गात्राणी, तो सिदंती का मतलब कांपना, सिदंती मम गात्राणी, मम मीन्स मेरा, गात्राणी मीन्स बॉडी पार्ट्स, मम गात्राणी मेरे बॉडी के पार्ट्स क्या हो रहे, सिदंती कांप रहे हैं, समझ में आया, सिदंती माम गात्राणी, मेरे बॉडी के पार्ट्स क्या हो रहे, स्वजन को देख के कांप रहे हैं, इसको मारू कैसे मैं, इसको त्यागू कैसे मैं, इनको छोड़ू कैसे मैं। भगवान बोले छोड़, एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ स्वजन है आप समझे, इतनी कठिन परिस्थिति थी अर्जुन जितनी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में कभी आ नहीं सकती है ना। कई बार समझो कोई साधु बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, तो उसको तो परिवार त्यागना पड़ता है, यहाँ पे तो अर्जुन को परिवार को तो मारना है, क्या करना है, मारना है भगवान हाईएस्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं अर्जुन का, है ना, बोले इसको तुझको तेरे को तेरे गुरु को मारना है, तेरे भीष्म पितामह को मारना है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। यू सी कितना बड़ी परीक्षा अर्जुन की कृष्ण ले रहे हैं, कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, है ना। सिदंती मम गात्राणी, मेरा मेरे शरीर के अंग क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं, अच्छा
और क्या होता है दूसरा, मुखम च परी शुष्यति, मेरा मुख भी सूख गया है ना? तो 28 से लेके 46 नंबर के श्लोक तक ये चैप्टर है अभी, तो इसके अंदर कैटेगराइज किया है श्लोकों को, है ना, पांच कारण में कैटेगराइज किया गया है कि पांच कारण जिसके वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तो उसमें सबसे पहला कारण है कंपैशन, दया, क्या दया। दूसरा है फियरफुलनेस फॉर सिनफुल रिएक्शन, उसको ऐसा था कि भाई पाप लगेगा, युद्ध करूंगा इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप, और पाप का फल मुझे घटना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तीसरा एंजॉयमेंट, क्या है एंजॉयमेंट, अरे मैं जिस राज्य के लिए, जिस राज्य के लिए मैं इनको मारूंगा, ये सब मर जाएंगे तो फिर मैं राज्य किसके साथ भोगूंगा, मेरी बर्थडे पार्टी है, कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं, तो कहना है एंजॉय माई बर्थडे पार्टी। हाँ, आपने गाड़ी लिया, बंगला लिया, सब कुछ लिया, पर आपका कोई परिवार में है ही नहीं, तो मैं किसको दिखाऊंगा, किसके साथ आनंद करूंगा, है नहीं। बोले कि जिसके लिए राज्य चाहिए वो सभी नहीं रहेंगे तो राज्य को मैं आनंद कैसे कर पाऊंगा, व्हाट इज यूज ऑफ इतने लोगों को मार के राज्य लेना। तो तीसरा कारण था एंजॉयमेंट, आई कांट एंजॉय द किंगडम विथआउट माय किन्समैन, मेरे परिवार के जनों स्वजन के अलावा मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। चौथा हुआ इनडिसिसिव, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों में हमें समझ में आता है, जैसे हम भी हमारे जीवन में कई जगह पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव, है ना। और पांचवा कारण है आज मैं ट्रैवलिंग करके आया, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ क्यों नंदलाल बाबू, पांचवा कारण कौन सा है? एंजॉयमेंट हो गया, इनडिसिजन हो गया, फिर कंपैशन हो गया, और सिनफुल रिएक्शन का भय, है ना, और इसके रिएक्शन आएंगे, इसका भय, ये चार हो गए। तो वही फियरफुल ऑफ सिनफुल रिएक्शन आएगा वो, हाँ वो उसमें आएगा कि ये सब पाप का मैं दोषी बनूंगा, कि कुल की स्त्रिया, ठीक है हम पढ़ते हैं, पांचवा सस्पेंस रखते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है ना, पढ़ूंगा श्लोक तो याद आ जाएगा मुझे। तो ये पांच कारण की वजह से क्या है, कारण को कैटेगराइज किया है, मोर और लेस हमें याद रहे, है ना, 28 से 46 नंबर के श्लोकों को हमें याद रहे, इसलिए पांच कारणों में इसको बांटा गया है। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे, इसके आगे का भी एक श्लोक पढ़ेंगे, तीसरा श्लोक भी पढ़ेंगे। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है ये कौन से कारण में आएगा, कौन से कैटेगरी में आएगा, तो तैयार है आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्जुन ने कहा है, कृष्णा इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सुखा जा रहा है, मेरा मुंह सुखा जा रहा है ना। तो इसकी वजह से अर्जुन युद्ध करना चाहते नहीं है। तो ये कौन सा लक्षण है अर्जुन का, हाँ दया का। अर्जुन भगवान का भक्त है इसलिए उसका हृदय कैसा है, दया, उसके अंदर कंपैशन है ना, भगवान के भक्त के अंदर कंपैशन होता है ना, इसलिए वो दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर कंपैशन नहीं होता है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है ना। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है
संसार में ही मान्यता है लोगों को कि मैं मैं हम मानते हैं कि मैं मेरे परिवार की अच्छी सेवा कर रहा हूँ, समाज की कर रहा हूँ, मेरे देश की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा हम मानते हैं कि मेरे माता पिता को खाना खिला के, उनको अच्छा रहने को दे के, मेरे परिवार का ध्यान रख के रोटी कपड़ा देता हूँ, तो मैं मेरी फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं बढ़िया से उनकी सेवा करता हूँ, ठीक है ना। ये नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद में श्रीमद् भागवत में बताते हैं, हमारा प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का जब भक्त बनता है, हाँ, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ियाँ, कितनी 21 पीढ़ी का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है ना। तो आपको लगे ऐसे कैसे, क्योंकि जैसे हमने से कहा कि आहार निंद्रा भय मैथुन, हम क्या कर रहे हैं, हमें चार चीजें हम हमारे परिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आहार निंद्रा और उसको हम समझते हैं केयर, तो दैट इज नॉट केयर एक्चुअली, दैट इज किलिंग। वी आर मेकिंग अवर स्वजन एनिमल, एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन में हम जी रहे हैं, उनका उद्धार कि उनकी आत्मा का उद्धार होगा नहीं। इसे प्रहलाद बताते हैं कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, जो कृष्ण का भक्त बनता है, तो वो अगर शुद्ध भक्त बनता है कृष्ण का, एक व्यक्ति कुटुंब के अंदर, वो परिवार के अंदर, तो उसकी 21 पीढ़ी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। अच्छा, नरसिंह मेहता का नाम सुना आप लोगों ने, हाँ, कौन कौन नरसिंह मेहता को सुना, जानते हैं नरसिंह मेहता, है ना। तो उनका एक भजन है, याद है आपको, वो भजन में गाते हैं, कितना कूड़ ताड़िया दे, कूड़ इक्को तेर ताड़िया दे, नरसिंह मेहता कितना क्या बोलते हैं, इक्को तेर मीन 71 कूड़ हमारे पेढ़िया क्या हो जाती है, तैयार जाती है, जो कृष्ण का वैष्णव भजन है तो ऐने करिए जे पीढ़ पदाई जान, अरे नरसिंह मेहता कह के, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, कृष्ण बोले तेरे पास, तेरे सामने स्वजन खड़े हैं, इस तरह पूरा संसार खड़ा है, इसका उद्धार करना है तुझको, कुछ स्वजन के लिए, दो चार लोगों के लिए, इन लोगों को नरक में डालेगा, दुर्योधन राजा बनेगा तो ये सब कैसे जिएंगे, हाँ, वो स्त्री की हत्या करेगा, हाँ, स्त्री का वस्त्र हरण करेगा, द्रौपदी का किया, उसको कोई लाज शर्म नहीं थी, भरी सभा में उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण करवाए, उनके कुटुंब की ही कुल वधू थी ना, वो तो बहू थी ना, पराई स्त्री भी नहीं थी, अगर अपनी स्त्री, अपनी कुटुंब की स्त्री की वो नंगना व नंगी करना चाहता है सब समय, तो दूसरे स्त्रियों के बारे में क्या करेगा वो, और तुम इसको मानना नहीं चाहते हो, आप समझे, तुम नहीं मारोगे तो अर्जुन मैं तो इसको मार ही दूंगा, लेकिन इसको मार के तुम श्रेय प्राप्त कर लो, निमित्त बन जाओ, वरना ये सब तो मेरे हाथों मर ही चुके हैं, समझ लो। तो पॉइंट है, जब हम समझते हैं कि हम हमारे स्वजन का उद्धार, इसलिए आगे भगवान गीता में एक श्लोक आता है, बोले कि मां अर्जुन अगर ये लोग मर भी गए तो भी इनको स्वर्ग की प्राप्ति तो होंगी, अधर्मी है लेकिन युद्ध करते करते मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हाँ, तू नहीं मारा है ना, तो ये लोग ऐसे ही अधर्म फैलाते जाएंगे, पापमय जीवन में रहेंगे, आहा निंदा भय मैथुन करते रहेंगे और पशु के पशु बने रहेंगे। धर्मो ही तेसा अधिको विशेषो, धर्म ही ना पशु भी समान। तो सही जो केयर है, अगर हम रियल में हम हमारे परिवार का उद्धार करना चाहते हैं, हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, हाँ, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, और हम हमारे परिवार का क्या कर सकते हैं, कूड़ी कोते तारे आरे, है ना। एक बहुत सुंदर भजन है नरसिंह मेहता का, वो है ना, नारायण नु नाम लेता वारे तेने भजिए, सांभड़ी तो मेरे को, कोई नहीं सांभड़ी भजन है, अरे इतना फेमस है,
કાઠિયાવાડના કેટલા લોકો છે આમાં? સૌરાષ્ટ્રી, અમરેલી અને જૂનાગઢ સાઈડ ફેમસ ભજન ને, નારાયણનું નામ લેતા વારે તેને તજીએ ને, હા નારાયણનું નામ લેતા વારે તેજે તજીએ રે, મનસા વાચા કર્મણા કરી લક્ષ્મી વરને ભજીએ રે. હા, પ્રથમ પિતા પ્રહલાદે તજ્યો, પ્રથમ પિતા પ્રહલાદે તજ્યો, ના તજ્યો હરી નામ રે. હિરણ્ય કશ્યપ કો પ્રહલાદ કો ક્યા કહા થા? તુમ હરી કા નામ છોડ દો, એ વિષ્ણુ કી ભક્તિ છોડ દો, હા ઓર મેરી ભક્તિ કરો, મુજે ભગવાન કો શૈતાન બનો. તો ઉસને ક્યા કિયા? પ્રથમ પિતા પ્રહલાદે તજ્યો ના તજ્યો હરી નામ રે, ભગવાન કા નામ નહીં છોડ્યા. બોલે કે પિતાજી આપકો જો શક્તિ દે રહા હૈ, હા વહી મુજે શક્તિ દે રહા હૈ, મુજે જો શક્તિ દે રહા હૈ વહી આપકો શક્તિ દે રહા હૈ, મેરી શક્તિ કા સ્ત્રોત જો હૈ વહી આપકી શક્તિ કા સ્ત્રોત હૈ, હા વો હૈ વિષ્ણુ. હિરણ્ય કશ્યપુ ત્રાહી માં, બોલે તું મેરે સામને બોલતે હો માર દૂંગા તુજે. પૂરી કથા હમને બઢિયા નરસિંહ ચતુર્દશી પે કલ્પેશ પર સુની થી ના હમને, વો જી થે વહાં પે, કુછ એક દો ઓર કોઈ ઓર ભક્ત ભી થે, આપ ભી થે, યસ યુ વેર ધેર, આપ ભી થે, યસ હમને પઢા થા, કિતના સુંદર કથા થા. પ્રથમ પિલા તૈલા દે તજ્યો ના તજ્યો હરિ નામ. જબ હિરણ્ય કશ્યપુ ને પ્રહલાદ કો માર દિયા, સોરી સોરી મારા નહીં થા, મારને કી કોશિશ કી થી, તબ નરસિંહદેવ ને હિરણ્ય કશ્યપુ કો માર ડાલા. જબ મારને કે બાદ નરસિંહદેવ ને બતાયા પ્રહલાદ કો કે માંગો, તું મેરે સે જો માંગોગે વો દૂંગા, તો હાથ જોડ કે ઉસને ક્યા માંગા માલૂમ હૈ આપકો? હા પ્રભુ ભક્તિ, તો ભક્તિ તો થઈ ઉનકે પાસ. ઉન્હોને ક્યા કહા? મેરે પિતા કા જીતને પાપ હૈ કૃપા કરકે ઉસકો માફ કરકે ઉસકા ઉદ્ધાર કીજે. સોચી, ધીસ ઇઝ કોલ સન, જો હા ધર્મ કે લીએ ઝુકા નહીં, લેકિન ઉસને ભગવાન કો ક્યા પ્રાર્થના કી? મેરે પિતાજી કા આપ ઉદ્ધાર કીજે. તો ભગવાન ને બોલા તથાસ્તુ. હિરણ્ય કશ્યપુ કા ભગવાન ને ઉદ્ધાર કરકે ઉનકે ધામ લે ગયે, બિકોઝ ઓફ હિઝ સન. એટલે બોલતે અગર એક શુદ્ધ ભક્ત હોતા કુટુંબ કે અંદર, તો વો ઉસકી આધ્યાત્મિક શક્તિ સે સભી અપની કુટુંબ કી પેઢી પેઢીઓ કો તાર સકતા હૈ. આહાર નિંદા ભય મૈથુન તો સબ પ્રોવાઈડ કર દેતે, એસે હી મિલ જાતા હૈ. આપ સમજ ગયા ના? પશુ થોડી બનાના હૈ પરિવાર કો, ઉનકા હમે આધ્યાત્મિક ઉદ્ધાર કરના હૈ, વો સહી ઉદ્ધાર હૈ, દેટ ઇઝ ધ રિયલ. ક્યા હૈ? તો યહાં પે અર્જુન કો બોલે તું માર, તું મારોગે તો ઇનકા ઉદ્ધાર હોગા, નહીં મારોગે તો એ પાપમય જીવન મેં લગે રહેંગે. અબ ઇનકા મારને કા સમય હો ગયા, ઇનકા ઉદ્ધાર હોગા, મારો. આપ સમજ પા રહે હો? કૃષ્ણ ક્યું કઈ વાર હમ મિસઅન્ડરસ્ટુડ કર લેતે હૈ કૃષ્ણ કો. કઈ લોગ બોલતે અરે ભગવાન કઈ હૈ એસે, અરે કૃષ્ણ ને તો હા યુદ્ધ કરવા દિયા, ભાઈઓ ભાઈઓ મેં ઝઘડા કરવા દિયા, કુરુક્ષેત્ર મેં 64 કરોડ સૈનિકો મરવા દિયા, ઇસલે કૃષ્ણ ને એસા કિયા, ઇસલે કૃષ્ણ આજ નર્ક મેં હૈ. એસા ભી ફિલોસોફી હૈ જૈનિઝમ કા, જૈન લોગ એસા બોલતે હૈ, માલૂમ હૈ આપકો? દે આર સ્પીકિંગ લાઈક ધીસ, બટ દે ડઝન્ટ નો ધ ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ ઇટ, કે ભગવાન તો કૃષ્ણ હૈ, વો કૈસે જાયેંગે, ઇન સબ ચીજો સે પરે હૈ. જબ 11વે અધ્યાય મેં ભગવાન ને વિશ્વરૂપ દિખાયા, આયેંગે હમ પઢેંગે આગે 11વે અધ્યાય મેં, સબકો ભગવાન નિગલ રહે થે, માર રહે થે, હે ના. તો ભગવાન કુછ ભી કર સકતે હૈ, આપ સમજીએ. તો મિસઅન્ડરસ્ટુડ નહીં કરના ચાહીએ, ભગવાન જો ભી કરતે હૈ બહોત હી પર્પસફુલી કરતે હૈ, હર ચીજ ક્યા હોતી હૈ? પર્પસફુલી હોતી હૈ. વો અર્જુન કે હાથો ઉનકે પરિવારજનો કા ઉદ્ધારી કરવા રહે થે માર કે, કે વો ડૂબ ગયે થે આહા નિંદ્રા ભયદ મૈથુન કે અંદર, ભૌતિક જીવન કે અંદર. તો બોલે માર કે ઇનકા ઉદ્ધાર હો પાયેગા. ઇનકો મેને બહોત સમજાયા, શાંતિ દૂત બન કે ભી ગયા થા દુર્યોધન કે પાસ, હા તો ભગવાન કો બંદી બના લીએ.
समझाने गया था तो भगवान को ही बंदी बना लिया था दुर्योधन ने। सोचिए, भगवान बोला अब तेरा क्या होगा, अब हरी बोल। भगवान चाहते तो ऐसे सुदर्शन को आदेश देते तो ऐसे घूमता तो 64 करोड़ सैनिकों के क्या करता, वो सर काट के भगवान के पास वापस आ जाता है। भगवान को कुछ नहीं करना, समझे, भगवान कुछ भी यूं कर सकते हैं कृष्ण, और कृष्ण कभी कुछ भी जबरदस्ती नहीं करते, सब कुछ प्रेम से करते हैं, सब प्लानिंग के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान को टीचिंग्स देना है। भगवान को क्या करना है, टीचिंग्स देना है लोगों तक, एक एग्जाम्पल सेट करके आगे ले। तो आज गीता नहीं होती तो हम कैसे सीखते इसमें से। अब भगवान हर बार थोड़ी यहाँ 5000 साल तक यहाँ बैठे रहते सिखाने के लिए खुद गीता, वो तो अपने धाम गोपियों के साथ मस्त रासलीला करते हैं, शिक्षा दे दी और चले गए, बोले अब सीखते रहो गीता में से, गीता पढ़ो और चलते रहो, है ना, जब ठीक हो जाओ तो मेरे धाम आ जाना, है ना। तो ये जो कारण क्या था, ये उसकी दया थी, वो भक्त था इसलिए उसके अंदर दया थी। देखिए मैं इसके अंदर पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बड़े प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ना, आपको हम जितना श्लोक पढ़ते हैं उतना एटलीस्ट घर पे जाके आपको पढ़ना चाहिए। और एक क्विज दिया है, अभी कईयों ने क्विज जमा नहीं करवाया है, लेकिन आपको दे देना चाहिए ना, फिर आप हम सबको मार्क्स देंगे एक साथ, ठीक है। थोड़ा सिंसियर सीरियस बनिए, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, सैटरडे आते हो बहुत अच्छा है, सिंसियर हो, बट हमें थोड़ा और भी घर जाके भी थोड़ा सिंसियर रहना है ना। स्वाध्याय, इसको क्या बोलते हैं, स्वाध्याय, थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए घर जाके, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट श्लोक 29, वे पतु स्व शरीर में रोम हर्ष च जायते नांडी वस्त्रम सते हस्ता वक्के वक्षैव परिदहाते। फिर नेक्स्ट, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, वे पथु मेरे रोंगटे रोम हर्षस्य जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे हाथ से मेरा गांडीव सरक रहा है और मेरी त्वचा चल रही है, बुखार आ गया। अर्जुन को क्या आ गया, बुखार आ गया। तो बुखार आता है ऐसा होता है ना, शरीर गर्म हो जाता है, है ना, कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई चीज़ हम पकड़ नहीं पाते, हाथ से गांडी उसका गांडी जो उसकी क्या थी, उसका मान था, है ना, उसका गर्व था, उसके लिए गांडी, वो गांडी से कुछ भी कर सकता था अर्जुन, इंद्र को भी उसने परास्त कर दिया था, है ना, शिव जी को भी उसने हंफा दिया था अर्जुन ने, इतना उसका गांडीव वो ऐसा शस्त्र था उसके पास, वो उसके हाथ से क्या हो रहा था, सरक रहा था, क्योंकि सामने कौन खड़े थे, स्वजन सम उपस्थित था, सब स्वजन खड़े थे उसके सामने, है ना। तो ये भी क्या कारण है, एक इसमें आएगा, ये क्या कारण, ये क्यों क्या हुआ, ये किसके अंदर आएगा, दयावश, कंपैशन की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, न च सक्रोम्यवस्था तुम भ्रमति वच मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्णा मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो उसके मन की दुर्बलता के कारण, यहाँ दिखाई रहा है कि मन की दुर्बलता का लक्षण है, है ना, शरीर में तो ताकत है लेकिन जब उसका मन क्या हो गया, वीक हो गया, तो बॉडी भी वीक हो गया। मैं कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, उनको मैं वही समझाता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में अच्छा लाना है तो आपको क्या करना होगा, आपका मन स्वस्थ रखना होगा, अगर आपका मन स्वस्थ है तो क्या होगा, आप
का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कोई भी कार्य अगर मन स्वस्थ नहीं है तो कोई भी कार्य आप कर पाओगे नहीं अच्छी तरह से। तो मन की दुर्बलता को हमें क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। इसलिए कहाँ आना चाहिए, जहाँ हमारा मन धीर हो जाए, शांत हो जाए, है ना। इसलिए कहाँ आना चाहिए, मन धीर, मन धीर। मंदिर को नाम इसलिए दिया है, क्या दिया है, मंदिर। मंदिर का मतलब जहाँ आके मन धीर हो जाता है, शांत हो जाता है, काबू में आ जाता है, इसको नाम दिया है मंदिर, है ना। अब लोग बोलते हैं मंदिर की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, गरीबों को खिला देते हैं। तो मैं कहूँ इतने बड़े आईपीएल की क्या जरूरत है, इतने बड़े मॉल्स की क्या जरूरत है, या पैलेडियम मॉल की क्या जरूरत है, हैं? सिनेमा थिएटर की कहाँ जरूरत है, उसके बिना आदमी नहीं मर जाएगा क्या, आप समझे कहने का मतलब। दुनिया भर का अब्बा जो खरबों के खरबों रुपए मौज शौक में खर्च किए जा रहे हैं, वहाँ गरीब की याद आती नहीं है। जहाँ मंदिर का नाम आता है तो गरीब की याद आती है। चले अच्छी बात है, मंदिर के नाम से गरीब तो याद आते हैं, वरना इन लोगों को तो गरीब याद ही नहीं आते कहीं पर, है क्या नहीं, आप समझे। पिक्चर में ये सब उल्टा सल्टा दिखाया जाता है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हो, इससे अच्छा दूध पीने को दे दो। अरे फाइव स्टार होटल में तुम खाते हो थोड़ा, और 100 आदमी का फेंक दे देते हो, ऐसे ऐसे पार्टियाँ करते हो आप। बड़े लोगों के शादियों में जाओ, 50-50, 100-100 आइटम होते हैं, अब खा ही नहीं पाओगे, कितना वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे गरीब की याद नहीं आती तुमको, हम तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कल करने जाने वाले हैं, हम तो गरीबों को बांटते ही हैं। यहाँ पे हर रविवार को 5,000 लोगों को शाम को खिचड़ी फ्री में बांटते हैं, खाओ, आपको जितनी खानी है उतनी खाओ, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। लेकिन ये क्या है, ये नास्तिकतावाद है, ये मूवी के द्वारा और इन सब चीज़ों के द्वारा हमें क्या बनाया जा रहा है, नास्तिक बनाया जा रहा है। पीके मूवी आया, ओ माई गॉड मूवी आया, ये सब में क्या किया जा रहा है, हमें भगवद गीता से कृष्ण से दूर ले जा रहा है। आपके मन में लगा देगा मंदिर तो यार माइथोलॉजी है, कहाँ मंदिर, यहाँ नहीं आओगे तो कैसे मन शांत हो, अशांतस्य कुतम सुखम, अगर मन अशांत है तो कैसे सुख मिलेगा। आप देखिए अर्जुन की हालत क्या होगी, इतना बना धनुर्धर, हाँ, और अब जैसे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाते थे, हाँ, वो 555 के बॉम्ब, 555 नहीं बोलो सुरसुरिया से डर जाए, हाँ ये तो ऐसी बात हुई, कहाँ मिसाइल मैन और सुरसुरिया से डर गया, कहाँ अर्जुन, हाँ धनुर्धर, हाँ तीनों लोगों के विजेता इंद्र महादेव जी भी उसके सामने हंफा जाते हैं, उनको भी हरा देगा अर्जुन, उसके हाथ से गांडी छूट रहा है। अर्जुन ने एक वाव लिया था मालूम है आपको महाभारत के अंदर, कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना कि तुम्हारा गांडी छोड़ दो, हाँ युद्ध मत करो, हाँ छोड़ दो तुम्हारा गांडी, ऐसे कुछ बोल दिया तो मैं उसको वहीं का वहीं मार दूंगा, इसी गांडी उसे ऐसा वाव लिया था कि किसी के मजाल के मुझे मेरा गांडी छोड़ने, अभी उसका मन ही उसके गांडी को छोड़ रहा है। सोचिए कितना मन हमारा वो है, इसे गीता में भगवान बताते मन को मित्र बनाओ, अगर इसको मित्र नहीं बनाया तो सबसे बड़ा दुश्मन ही बनेगा आपका, अगर मन को जीत लिया तो पूरे संसार को जीत लिया। अगर आपको पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना है ना तो आपको आपके मन के ऊपर राज करना सीखना पड़े। अगर आपका मन के ऊपर काबू नहीं है तो दुनिया में कभी अपने आप पर काबू नहीं कर सकते हो, मन के ऊपर तो खाक दूसरे के ऊपर काबू करोगे आप, कुछ नहीं हो पाएगा। मन को क्या करना है, हमें काबू में करना है। ज़्यादातर जो भी होता है वॉर वगैरह जो होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल गेम होता है, कितना आपका माइंड स्ट्रांग है ना, उसके ऊपर ही सब हार जीत होती है। शरीर की ताकत ठीक है, इतना काम नहीं करती, उसके अंदर दिमाग ज़्यादा काम करता है, कितना आपका मन पावरफुल है।
इसलिए बताए इस मन को पावरफुल करना है तो मंदिर आना होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा मंदिर में, तो जी मंदिर में आ गए और व्हाट्सएप खोल के, फेसबुक खोल के, यूट्यूब खोल के रील देखेंगे, नहीं, मंदिर में आके आपको क्या करना है, मंत्र करना है, मंत्र। मंदिर में आके मन शांत होता है और वो शांत मन से आपको क्या करना है, मन को काबू करना है। वो किससे होगा, मंत्र के द्वारा मन को काबू किया जाता है। किसके द्वारा, मंत्र, है ना, मंत्र का संधि छुट्टी पड़ा, मन वत्ता त्र, मंत्र, देखिए मंदिर मंत्र। तो ये सब चीज किसके लिए बनी है, मन के लिए बनी। भगवान को मालूम है मन ही खतरनाक है, बस इसको काबू में कर लेगा व्यक्ति तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मंत्र का हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। जितना ध्यान पूर्वक हम जप करते हैं हमारा मन उतना काबू में आता है। आप लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कईयों को जो जप करते हैं, किस में आप में इसमें कितने मंत्र जप करते हैं, ऑलमोस्ट सब करते हैं ना, तो आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ बेनिफिट हो रहा है, हाँ, ध्यान केंद्रित हो रहा है, वेरी गुड वेरी नाइस। ध्यान केंद्रित होना ही बड़ी चीज है, हाँ, फालतू गलत जगह पे नहीं जाएगा, गलत जगह पे जाएगा तो थोड़ा हमें शक्ति मिलेगा कि उसको हम थोड़ा वापस लाए, है ना, है ना। जिसका जितना मंत्र ध्यान जब अच्छा होगा उतना वो पावरफुल होगा, है ना, यस, हाँ यस यस प्लीज थैंक यू ओके। पर आप खाना इनको प्रसाद प्रसाद लेके जाइए, अरे नहीं नहीं प्रभु जी खिला प्रसाद खिला के जाइए, भेजिए इनको, कोई नहीं कोई लेट, आपको जल्दी जाने नो प्रॉब्लम, खा के प्रसाद खा के जाइए, मजा लीजिए थोड़ा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। इसमें ऐसा कोई लागणी वेड़ा के दिखावा के धार्मिकता शो ऑफ ये नहीं है, आप समझे, दिस इज द साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड चैंटिंग द मंत्र, दिस इज साइंस बिहाइंड द टेम्पल। ये सब जो टेम्पल वगैरह बनते हैं वहाँ भगवान की अर्चना, बैल बजता है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन निकलते हैं, कीर्तन होता है भगवान का नाम के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, इन सबसे बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होती है। और जैसे आप उस एनर्जी के टच में आते हो, है ना, तो क्या होता है आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि दिन भर आप इधर से उधर, कभी बॉस, कभी कलीग्स, कभी मित्र, कभी फ्रेंड गर्लफ्रेंड, कहीं ना कहीं समस्या आती रहेगी, है ना, लोग सुसाइड कर देते हैं, 16-17 साल के लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उनका मन के ऊपर काबू नहीं है, वो मन से हार गए, उनका शरीर छोड़ देते, आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है सुसाइड, छोटी चीज़ थोड़ी है। इसलिए ये मंदिर और मंत्र का हमें सहारा लेना चाहिए, आप समझिए ना। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा हो, है ना, कि भाई आप समाज में जैसे माला लगा के जाते हो, या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ होगा, कोई मित्र बोल देता है, या परिवार में कोई भाई बहन बोल, अरे अरे क्या है झोली लेके घूमता है, हाँ, तो अब वो ऐसा क्लिकर भी आता है मालूम है, 1 2 3 4, है ना, लोग उसका यूज़ करते हैं उसके लिए, है ना, वो परफ्यूम का ऐड आता है ना, कौन सा, उसमें क्लिक क्लिक करते हैं, हाँ, एक्स, यस, वो एडवर्टीजमेंट आता है ना, एक्स लगा के क्लिक करते हैं कि कितनी वुमेन अट्रैक्ट हुई, एक हुई दो हुई तीन हुई, है ना, तो स्त्री के ऊपर मंत्र जाप मन लगाते हैं, 1 2 3, हमें कृष्ण के ऊपर लगाना है, किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, किसके ऊपर लगाना है, कृष्ण के, है ना, फिर देखिए कृष्ण कमाल करेंगे आपके जीवन में और फिर आप धमाल करेंगे समाज के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या टाइम हुआ, 9:07 हो गई, एक दो श्लोक ले लेते हैं ना।
मेरे पास आज घड़ी बंद हो गई है, मेरी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मन की दुर्बलता के कारण आत्मविस्मृति हो रही थी, वो अपने आप को भूल रहा था। उसका गांडीव ये भी एक मन की दुर्बलता एक कारण है, वो भी ड्यू टू कंपैशन, है ना, भक्त था उसकी वजह से। अब नेक्स्ट श्लोक संख्या 31 देखिए, अब ये दूसरा कारण आएगा ना, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। श्लोक संख्या 31 आप मेरे साथ पढ़ सकते हो अगर आपको फाता है तो। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कितना सुंदर श्लोक है। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। मुझे कुछ एंजॉय करना नहीं है। अरे स्वजनों को मार के कैसा आनंद आएगा, है ना। तो दूसरा कारण कौन सा आ गया यहाँ पे, एंजॉयमेंट का। मुझे इनको मार के आनंद लेना नहीं है, ये नहीं रहेंगे, राज्य मिल भी गया तो राज्य किसके साथ मैं भोगूंगा, आएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए, यहाँ अर्जुन ऐसा कहते हैं कि मैं सुख की इच्छा कर व्यक्त करते हैं, मैं किसके साथ सुख या ये राज्य को भोगूंगा, है ना। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहे, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है तो क्या होता है, उसके जीवन में समस्या आती है, दुख आता है। जब आप भोग करने जाते हैं तो रोग होता है, है ना। भोग करते हैं तो रोग होता है, जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है ना, तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, हाँ उसका बॉडी बहुत फूल जाएगा, दुनिया भर की बीमारी आ जाएंगी आहार, है ना। कोई व्यक्ति ज़्यादा मैथुन करता है, हाँ तो उसको रोग हो जाते हैं। कई स्त्रियों के साथ मैथुन करता है तो एड्स जैसी बीमारियाँ हो जाती है, होती है ना कि नहीं होती है, है ना। तो इस प्रकार से आहार निंद्रा भय मैथुन का अति संयुक्ति धर्म के विरुद्ध जब उसका उपयोग किया जाता है, आहार मीन्स भगवान को भोग लगाए बिना जो हम खाते हैं ना, वो सब पाप खाते हैं, गीता में भगवान कहते हैं। भगवान को भोग लगाए बिना हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। अर्जुन बताते कृष्ण गीता में आएगा ये आगे कि जो भोग नहीं लगाता है, जो भोजन अपने खुद के लिए बनाता है और अर्पण किए बिना खाता है अर्जुन, वो निश्चित ही पाप खाता है। सोचे भगवान ने गीता में सब कुछ बताया है, आहार निंदा भय मैथुन के लिए भी बताया है कि जो बिना बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा नहीं करने के उद्देश्य से जो सेक्स किया जाता है वो धर्म के विरुद्ध है। हाँ कामोस्मी भगवान कहते हैं मैं काम हूँ, बट कैसा, जो धर्म से किया जाता है, बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, तो वो मैं काम हूँ। वो भगवान बोलते स्वयं मैं वो हूँ, दैट सेक्स, आई एम दैट सेक्स लाइफ। कृष्ण सिंह आई एम दैट सेक्स, दैट मीन दैट सेक्स लाइफ इज वेरी ऑस्पिशियस, पवित्र है। वो मैथुन क्या है, पवित्र है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करने के लिए, प्रजोप्ति के लिए किया जाता है, अदरवाइज अन्यथा सिंफुल है, पापमय है, भगवान समझाते है ना। आहार का भी बताते हैं, मैथुन का भय निंद्रा का भी बता, निंद्रा भी बताया है भगवान गीता में कि जो व्यक्ति हाँ कम सोता है, बिल्कुल सोता है या कम सो नहीं सो बिल नहीं सोता है या एकदम कम सोता है, और जो व्यक्ति बहुत सोता है ना,
दोनों के लिए योगी बनना असंभव है अर्जुन। वो योगी बन सकता, भक्ति कर सकता नहीं है। भगवान ने बताया, प्रभुपाद उस पर्पट में बताते हैं कि व्यक्ति को 6 घंटे सोना चाहिए। कितना? 6 घंटे। कोई 3-4 घंटे सोता है वो भी गलत है, और 8-10 घंटे सोता है वो भी गलत है। स्ट्रीम लाइन 6 घंटे सो, अरे आंद हर चीज़ को बताए, हर चीज़ को बताए ना। आप तो आगे जैसे जैसे गीता पढ़ोगे ना, तो भगवद गीता एक एक पॉइंट को पूरा डीपली एनालिसिस करते करते आप देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि कृष्णा हमें इन सब चीज़ों के आसपास डिटेल में सब कुछ बता रहे, एकदम डिटेल में जा रहे। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम? श्लोक संख्या 31। यहाँ पे अर्जुन अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे वृक्ष के मूल में पानी डाला जाता है तो वृक्ष की डालों को पानी मिल जाता है। जैसे पेट के अंदर खाना खा डालते हैं तो हाथ पैर आंखों नाक सबको शक्ति मिल जाती है। उसी तरह कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, उसकी इंद्रियों को संतुष्ट किया जाता है तो सभी जीवों को संतुष्टि मिल जाती है। आप समझे? एक बार हाथ पैर आंख जीभ सब मिलके मीटिंग कर रही है। क्या किया? मीटिंग किया। अब बोले पैर बोले मेहनत करके मैं चलता हूँ, हाथ बोले मैं खाना उठाता हूँ, मुंह बोले मैं चबाता हूँ, आंख बोले ठीक है भाई मैं तो देखता हूँ, मालूम कैसे पड़ेगा? बोले हम लोग चलो सब लोग थोड़े थोड़े मेहनत करते हैं, खाना लाते हैं, लेकिन खाना एंजॉय कौन करता है? पेट करता है। जाता कहाँ है? पेट में जाता है। अरे सर वो पेट करता क्या है? कुछ नहीं करता है, वो खाली एंजॉय करता है। तो हम सब हड़ताल पे जाते हैं। किस में जाते हैं? हड़ताल में जाते हैं। तो हाथ ने पैर ने आँख ने सब ने काम करना बंद कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पेट को खाना मिला नहीं, तो तकलीफ किसको होने लगी सबसे पहले? हाथ को होने लगी, पैर को होने लगी। चंद हाथ लूज हो गए, पैर लूज हो गए, आंखें बंद हो रही थी, खुल नहीं रही थी अशक्ति की वजह से, है ना। तो 3-4 दिन के बाद मालूम पड़ा, अरे 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 पेट को नहीं देंगे तो हमको शक्ति नहीं मिलेगी। उसी तरह कृष्ण को नहीं देंगे, उसकी इंद्रिय नहीं संतुष्ट करेंगे तो हम भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। When jiva tried to enjoy independent of Krishna, and that become a reason, that become a cause for his suffering, उसके लिए दुख का कारण बनती है। हम बोलते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? Because we try to enjoy independent of Krishna. हम भोग लगा के खाते नहीं हैं, जीवा के लिए खाते हैं। मांस मटन इंडा आमलेट अच्छा लगा तुरंत खा लिया, दाबली पानी पूरी गले पे खड़े होके हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास, इसलिए बीमार पड़ते हैं। आप समझे? है ना, अच्छी लड़की देखी तो उसके पीछे चले गए, हमारी पत्नी नहीं है, है ना। इसलिए शास्त्र में बताया, चाणक्य के पंडित कहते हैं कि पर स्त्री को क्या मानना चाहिए? हमें माता मानना चाहिए। इसलिए हम हमारे इस्कॉन में सिस्टम है, कोई भी लड़की होती है ना, भले जवान लड़की भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, माता जी कहते हैं, मदर। क्या कहते हैं? मदर। हमने ये सब हमारे भारत की संस्कृति है ना, लेकिन ये सब कुछ हम आप लोग तो बाहर मेरे से ज़्यादा जाते होंगे, देखते होंगे क्या परिस्थिति है बाहर। आज क्या परिस्थिति है मुझे बताइए, मुझे इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू आर मोर रियलाइज देन मी, है ना, क्योंकि आप संसार में हम लोग तो इतना जाते नहीं हैं, है ना, लेकिन आप लोग तो रोज ऑफिस में या कॉलेज में या सर्कल में देखते होंगे कैसी परिस्थिति है, है ना, है कि नहीं। तो इंद्र की तृप्ति को संतोष करना चाहिए। यहाँ अर्जुन गलती कर रहा है, वो अपनी इंद्र के बारे में सोच रहा है, कृष्ण के बारे में नहीं। कृष्ण की इच्छा है भाई, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करो तुम अपने आप सुखी हो जाओगे।
किम नो राजेन गोविंद, इस श्लोक चार श्लोक पढ़ लेते हैं अब तो 35। किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीविते नवा, हे सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानी च। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम राज्य सुख ये जीवन चाहते हैं, हाँ वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ताई में अवस्थित युद्धे प्राणाशक्त्या धनानि च, आचार्य पितरा पुत्रस्थैव च पितामह, मातुला ससुरा पौत्रशाला संबंधिस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि गतो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नो महि कृते, निहत्य दात्राष्टानः का प्रीतिशा जनार्दन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्र साले अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाए। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेंगी। मामा ससुर न भाई न सब सामने खड़े, भले उनकी इच्छा हो मुझे मारने की, लेकिन उनको मार के मुझे कौन सा आनंद मिले। अरे पृथ्वी छोड़ो, कृष्ण मुझे तीनों लोग भी मिल जाए तो भी क्या फायदा इनको मारने से, है ना, कैसे मैं भोगूंगा इनको। तो यहाँ पे कौन सा कारण दिखा रहे हैं अर्जुन के, एंजॉयमेंट एंड ऑल्सो सम कंपैशन, थोड़ा दया भी यहाँ पे दिख रहा है, और वो सोच भी रहा है इसको प्राप्त करके कहाँ मैं एंजॉय करूँगा, किसके साथ एंजॉय करूँगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सुंदर प्रभुपाद जी ने इसका परपट दिया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कलकर संबोध किया। गोविंद का मतलब कौन बिना पढ़े बताएगा। यस कल्पेश प्रभु, जो हमारी इंद्रों को संतुष्ट करता है, वेरी गुड, इंद्रों को काबू करता है, आनंद देता है, संतुष्ट करता है, इसके लिए उनका नाम हुआ गोविंद। और जो गायों को आनंद देता है वो भी गोविंद है, तो गाय हुए और इंद्रिया, है कि नहीं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्णा यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होंगी। हाँ, गोविंद क्यों बोला कि गोविंद तुम तो इंद्रियों को संतुष्ट करते हो, मेरी इंद्रियों को भी कर दो, है ना। अर्जुन इंद्र इसलिए उसको गोविंद बोला, है ना, कि आप समझ जाओ यू आर गोविंद, है ना, यू आर गोविंद, है ना। समझो कोई व्यक्ति आपको चाकू लेके मारने आ रहा है, अब उसको बोल दो अरे आप तो करुणा सागर, तो उसको लगता है मैं करुणा सागर हूँ तो मुझे मारना नहीं चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए, है ना। हेलो बोले हे गोविंद, अच्छा मैं गोविंद इंद्रियों को तृप्त करने वाला, अच्छा तो मुझे अर्जुन की इंद्र को तृप्त करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ अर्जुन कृष्ण के नाम का संबोधन कर रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, आप समझे। कहीं कहता है मधुसूदन, यानी मधु के नामक राक्षस को मारने वाला, तो अर्जुन कहता है मधुसूदन जहाँ यूज करता है दैट मीन्स वो चाहता है कि उसके हृदय में उठे हुए डाउट रूपी राक्षस को वो क्या करे, कृष्ण मार डाले ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मधुसूदन शब्द यूज करते हैं, आप समझे। यार ये शब्द यूज किया है जनार्दन, लास्ट में क्या है स्या जनार्दन 35 नंबर, जनार्दन का मतलब जो जन का पालन करता है, जनार्दन हु इज मेंटेनिंग द ऑल लिविंग एंटिटीज। तो हे कृष्णा आप तो जनार्दन है, यानी आप तो पालनहार है, और आप मारने की बात करते हैं सबको, ऐसा नहीं बोले मारने की बात कर, इतना बोल दिया आप तो जनार्दन है, तो आप समझ जाओ कृष्ण अच्छा मैं जनार्दन हूँ, मुझे तो जन का पालन करना चाहिए, तो मुझे जन को मारना नहीं चाहिए, यू सी। तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट स्पीकिंग, आपको किसी को पटाना है तो शब्दों यूज करना आना चाहिए, है ना।
आप समझे, अच्छे शब्द बोलिए आप, इसे अर्जुन सीखने जैसा है ना। किसी से झगड़ा हो गया, लगता है कि अपना पल्ला वो है, अभी इसको कैसे पटाऊ, तो ऐसे दो चार बड़े बड़े अच्छे शब्द गीता में से सीख के बोल देने के है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन चाहते हैं कि कृष्णा उनकी इंद्रिय तृप्त करे, है ना। तो मैं छोटे दो लाइन कह के यहाँ पे समाप्त करूँगा अभी आज का सेशन, कि देखिए भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है कि हम भगवान को कहे हमारी इंद्रिय संतुष्ट कर दो और वो कर दे, आप समझे। हमें क्या करना चाहिए, इंद्र की कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए, और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी। भगवान को हमें कभी भी ऑर्डर देना नहीं चाहिए, इसलिए कैसे भक्ति करनी चाहिए भगवान की, अहेतु की अप्रतियता। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, भागवत में कहा है अहेतु की, इसका क्या मतलब होता है, अहेतु की भक्ति मीन्स हेतु वगैरह, विथाउट एनी मोटिव, है ना। दे शुड नॉट बी एनी कॉज, ओनली वन कॉज, वॉट दैट कॉज, फॉर टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, भगवान की खुशी के लिए भक्ति करना है। आजकल के नॉर्मली आप संसार में कहीं पे भी जाओगे, आपके समाज में परिवार में भी आप देखोगे, है ना, जो कि जो भी बड़े बड़े भगत भी लोग होंगे, है ना, तो उनके कुछ ना कुछ हेतु होते हैं उसके पीछे, है ना। शनिवार हनुमान जी ना दर्शन करवा जाना, सोमवार महादेव जी सुंदर पति नहीं था, लगन नहीं था, सेट थी जय कहीं मारो, है जाते ना सब अलग अलग, गणपति का वार करेंगे, स्टूडेंट हनुमान जी का वार करेंगे, है ना, अलग 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 वार करेंगे। ए हनुमान जी के पास जाके बोलते हैं कि मुझे सुंदर पत्नी दीजिए, हनुमान जी बोले अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुझको कहाँ से पत्नी दो, मेरे पास ही पत्नी है, मेरे से पत्नी, समझ में नहीं आता लोग कहाँ से क्या मांगते है कि नहीं। तो हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से मांगना है तो केवल एक चीज मांगिए, क्या मांगनी है, उनकी सेवा मांगे, प्लीज कृष्णा एंगेज मी इन योर सर्विस, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो जपते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है मालूम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका मीनिंग यही है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे आपकी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण सो वी आर आस्किंग द सर्विस ऑफ लॉर्ड राधा कृष्ण। हम राधा कृष्ण की क्या मांग रहे हैं, सेवा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं डेस्परेट इंटेंसली कि कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगा दीजिए, कृपा करके मुझे आपकी शरण में ले लीजिए ताकि मैं माया से मुक्त हो सकूं, है ना, इस भौतिक संसार से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकूं। दिस इज द मीन, जितना डेस्परेटली इंटेंसली, है ना, एकदम हृदय से आप हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे, उतना फास्ट भगवान आपको उनकी शरणागति में लेंगे, उतना फास्ट आपका प्रोग्रेस होगा, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र अटेंटिवली, कैसे अटेंटिवली, है ना। तो हमें इंद्र की कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा है कि कृष्ण उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें, दिस इज नॉट गुड, ये ठीक बात नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं, है ना। और बताया अगर आप इंद्र की कृष्ण की इंद्र को संतुष्ट करोगे तो आपकी इंद्र संतुष्ट हो ही जाएंगे, है ना। क्या टाइम हुआ, 9:30 हो गई। एक बहुत सुंदर कथा थी द्रौपदी कृष्ण की, अक्षय पात्र की,
जो भगवान सुन रहे हैं, आपको सुना है आप लोगों ने, है ना, सुना है ना? हरी बोल, प्रभु जी बंद कीजिए, बहुत हो गया, हरी बोल सुन लिए ओके वो हरी बोल, नेक्स्ट टाइम कथा गाऊंगा, वो स्टोरी बताऊंगा, है ना। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, गीता गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तीन हमारे जो विनर थे उनके लिए गिफ्ट लाए कि नहीं लाए, भूल गए क्या? ये हमारे पीयूष प्रभु थे, सिद्धेश प्रभु थे, पीयूष प्रभु, सिद्धेश प्रभु और शांतनु प्रभु। शांतनु प्रभु आए नहीं लगते आज, है ना, तीन भक्त हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा आपका गिफ्ट, ठीक है, जरूर प्राप्त हो जाएगा। वो तीनों ने गेम जीता था ना, वो क्रिश्चियन नाम का गेम, है नहीं? तो डाकोर का कैंप अच्छा रहा, नहीं? मुझे भी आनंद आया। फिर आगे मैं नाने नहीं आ सका था, गलतेश्वर है। तो आप लोगों को कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं डाकोर के कैंप को लेके, कुछ सजेशन। किस तरह से भक्ति में लीन होके जितना आनंद मिलता है उतना कहीं नहीं। हाँ यस, आनंद मिला था, राइट, पूरा दिन भक्ति में ही गया था कि नहीं? माया बिल्कुल आई नहीं थी, हाँ माया आई थी नहीं, आई थी ना, जगह नहीं छोड़ी यस। और क्या अच्छा लगा था, मीन्स आप थोड़ा रियलाइजेशन बता सकते हो? दो पॉइंट, यस एग्जैक्टली गुड, मतलब नकारात्मक शक्तियां आसपास आई नहीं सकती, नहीं आ सकती। एक तटस्थ में हम एक कार्य प्रणाली में लीन, वेरी गुड, वेरी नाइस। और किसी को और कुछ बोलना है? यस प्रभु जी, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर याद रहेगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। ज्यादा यस, हाँ युक्ताहार विहारस्य, भगवान गीता में बताते हैं बैलेंस होना चाहिए, निंद्रा आहार ये सब चीजें भगवान गीता में बताते हैं। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी जो थे वो भौतिक स्तर से ऊपर उठ गए थे, उन जीवन मुक्त थे, है ना, वो क्या थे, जीवन मुक्त थे, वो भगवान के पार्षद थे, उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं रहा था, उनका शरीर दिव्य बन चुका था। प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका जाते थे उनको हार्ट अटैक आया था, तो उनको भगवान ने दर्शन दिए थे, कृष्ण ने, लेकिन चिंता मत करो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम देखो मैं आगे इस नाव को, तुम्हारे इस जहाज को क्या रहा हूँ, खींच के अमेरिका ले जा रहा हूँ, इसी भगवान प्रभुपाद जी का जो था वो जीवन, हमारा ऐसा है नहीं, अभी हमें बहुत समय लगेगा उस स्तर पर पहुँचने। ऐसे तो अर्जुन भी गुड़ा केस थे, है ना, उसने अपनी निंद्रा के ऊपर क्या प्राप्त कर लिया था, लेकिन हम क्या है, अभी साधक हैं, क्या है हम, साधक है, और ये जो है सब महापुरुष सिद्ध है, क्या है, सिद्ध है, अभी साधना से ऊपर उठ चुके हैं, आप समझे कहने का मतलब, अभी तो हम जीवन भर साधना करेंगे, हरे कृष्णा करेंगे, हाँ तब जाके कुछ काम हमारा बनेगा, अभी सालों सालों तक ध्यान पूर्वक भगवान का जप करेंगे, शरणागति करेंगे, तब जाके हम अर्जुन प्रभुपाद जैसे लेवल पर हम पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं, यू कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट, है ना, बट हमें महाजनों ये गत संपन्नता, हमको जो महाजनों ने जो बताया उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, संतों ने बताया वो रास्ते पे चलना पड़ेगा, हमारे इंद्रियों के ऊपर काबू रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए?
नहीं नहीं साधु बने भक्ति करना है, जो भगवान ने चार आश्रम बनाए मैं आपको सबको क्लियर करता हूँ, गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आप चारों में से कोई भी आश्रम में जा सकते हो। आश्रम नाम क्यों लगाया? आश्रम मीन्स जहाँ से भक्ति करके